सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के पथराई गांव में प्रस्तावित सीएमडीसी बॉक्साइड खदान के विरोध में श्रमिक लामबंद हुए। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार मैनपाट समेत सीएमडीसी प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। श्रमिकों ने सीएमडीसी के विरुद्ध हल्ला बोलकर श्रमिक शोषण का लगाया संगीन आरोप। श्रमिकों के आरोप प्रत्यारोप के पश्चात सीएमडीसी प्रबंधक कांवर साहब मीडिया के सवालों से मुंह छिपाकर भागने लगे और बचते नजर आए। सरगुजा जिले के मैनपाट के अलग अलग इलाकों में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बॉक्साइड उत्खनन का काम कर रहा है, लेकिन गांव के कुछ लोगों को मोहरा बनाकर यहां की हरियाली और पर्यावरण को पहले ही क्षति पहुंचा चुकी है। बावजूद यहां के श्रमिकों को भोला भाला समझकर उनका शोषण किया जा रहा है। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि यहां लोगों को खदान खोदने से पहले उनकी जमीन लीज में ली जाती है, नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यहां सरगुजा जिले के मैनपाट में कुछ अलग ही सीएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण लगातार खदान का विरोध करते नजर आते हैं, लेकिन उनकी समस्या सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाती है। यही कारण है कि श्रमिकों को आज हड़ताल करने पर विश्वास है। श्रमिकों की प्रमुख मांगे निम्न प्रकार है। सभी श्रमिकों को ठेकेदार के द्वारा काम नहीं दिया जा रहा, मजदूरी दर बढ़ने के बावजूद पुराना रेंट दिया जा रहा है, और मोहरा बनाकर बोला गया कि काम देंगे लेकिन बाहरी लोगों को काम दिया गया। खदान में न पेयजल, न ही गर्मी के दिनों में बैठने के लिए कोई सुविधा। खदान में रेस्ट सेलर नहीं है, मजदूर को काम मांगने पर अधिकारी धमकी देते हैं। इन सब चीजों से तंग आकर मजदूरों ने बड़ा अहम निर्णय लिया कि खदान बंद की जाए, जब तक मांगे पूरी नहीं होती। वहीं गांव के करीब रामानुज यादव जी के जमीन को बिना आदेश के सीएमडीसी प्रबंधक ने खुदाई कर दी और मुआवजा तक नहीं दिया। इसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार मैनपाट से भी की, लेकिन अब तक तहसीलदार मैनपाट ने जांच नहीं की, किसी प्रकार के कोई मुआवजा नहीं दिया, बल्कि ये कहा गया कि जमीन शासकीय है, आपको मुआवजा नहीं मिल सकता। सीएमडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी और प्रबंधक साहब ने मजदूरों के साथ बैठकर समस्याओं के संबंध में तलब तो किया, लेकिन कोई समाधान अब तक सामने निकल कर नहीं आया। द्वारा मेरा जमीन बिना सूचना, बिना मुआवजा, बिना जानकारी के बिना खोद दिया गया, जिसमें आज 1.5 साल हो गया, उसका कुछ नहीं दिए। गलत आश्वासन, झूठा आश्वासन देते हैं, चर्चा करेंगे। आज 1.5 साल से वो लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में मेरे को कोई वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दे रहे हैं? चर्चा करेंगे इसके विषय। क्या चीज का चर्चा करेंगे? वो आगे भेजेंगे अपना ऊपर अधिकारी के पास। कितना जमीन है आपकी? 1.5 एकड़ लगभग। तो उसमें खुदाई कर दिए हैं? थोड़ा सा नहीं, 50 डिसमिल, 60 डिसमिल। अच्छा, तो आपको यहाँ कुछ काम उन दिया गया है? नहीं, इससे पहले आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा था? वो पहले तो मेरे को सूचना नहीं दिया, बिना मनमानी खोद दिए उनका। एक तो पहले वो एरिया का पता नहीं है कि उनका लीज कहाँ तक है। थाने में FIR नहीं कर दिए? थाने में तो नहीं किया हूँ। अच्छा, सूचना नहीं दिए हैं अधिकारी कर्मचारियों को? तहसीलदार को दिया था। तो क्या बोल रहे थे तहसीलदार? आए थे तहसीलदार साहब एक बार, फिर इसके बाद वो फिर कोई सुनाई। तहसीलदार साहब क्या बोल के गए आपको? वो बोल के गए इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। ठीक, अपना परिचय बता दें। मेरा मानू दिया था पथराई माइंस में, जो MKSPL अपना माइंस चला रहा है, इसमें ठेकेदार से हम लोग को बहुत सारे चीज़ का मतलब कमी महसूस हुआ है। CMDC भी इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे चीज़ को जो देना चाहिए वो दिया नहीं। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ये क्या है कि रोजगार नहीं दिया है, सभी लोगों को साइड नहीं दिया है पत्थर तोड़ने का। सभी लोग मतलब पूरी तरह से पत्थर नहीं तोड़ पा रहे हैं, अगर पत्थर तोड़ भी रहे हैं तो उस माल को रिजेक्ट कर दे रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जो 1 अप्रैल 2023 में जो रेट लागू हुआ है वो रेट अभी तक लागू नहीं किया है। सारे मतलब इतने सारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका पूरी तरह से शोषण किया है जी। एग्रीमेंट के हिसाब से जो स्टार्टिंग में जो माइंस जब ओपन हो रहा था, उस समय जितने लोगों को रोजगार में रखने के लिए बोला है उसमें से एक भी नहीं रखा है, ये किसी भी बंदे को प्रॉपर रोजगार नहीं दे पाया है। अभी उसी बीच में हम लोग 15 दिन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जिसका डिस्कशन आज होना था वो भी नहीं हो पाया। दूसरा इसमें एक मुद्दा, इसमें इस किसी भी कारण से वो किसी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना CMDC सुनने के लिए तैयार है, ना ठेकेदार सुनने के लिए। क्या बोल रहे हैं? किसी भी बात पे कोई वो एग्री ही नहीं होता है। बोलता है कि अभी करवाएंगे। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, दिखा दूंगा। कितना दिन से आप लोग को आश्वासन मिला? ये हम लोग को लगभग हम लोग का ये चौथा स्ट्राइक है। मांगे क्या, मूल्य क्या है आप लोग का? मूल्य सबसे पहला तो क्या है, देखिये पट्टे का, राम अनुज यादव का पट्टे का जमीन CMDC द्वारा बिना जानकारी का उसको खोदा गया, अभी तक उनके जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई उसका सुनवाई भी नहीं हुआ है हमेशा मतलब इस बात को टाला जा रहा है। अभी तक वो आदमी घूम रहा है पूरा कागज लेके,
लेकिन अभी वो उनसे बात भी नहीं कर रहे है। वो आने के बाद दूसरा क्या है, पूरे किसानों का इधर किनारे किनारे जितने भी मतलब जहाँ खेत हैं उसके किनारे किनारे ट्रेंच काटने के लिए बोला था, अभी तक नहीं काटा है। डंप यार्ड बना के रखा है, उसमें पूरा पत्थर भसक रहा है उनके खेतों में, जमीन में, जमीन कब्जा करते जा रहा है वो, मतलब पट्टे का जमीन भी कब्जा करते जा रहा है। यहाँ के ठेकेदार, ठेकेदार के जितने भी एम्प्लॉई हैं अगर उनसे बात करिएगा तो धमकी चमकी में बात कर रहा है कि कोई यहाँ, हमको ये पता नहीं है एमकेएसपीएल का कि अभी तक मैनेजर कौन है। कुल मिला के शोषण हो रहा है पूरी तरह से, पूरे गांव का 200 से ऊपर श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं। जी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोनू तिवारी, मैं पथरही से हूँ, मैनेजर खलखो। यहाँ एमकेपीएसएल के द्वारा, एमकेपीएसएल ठेकेदार हैं और सीएमडीसी के द्वारा यहाँ माइनिंग कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ खदान का जो भी नियम कानून है, रूल रेगुलेशन एक्ट सेक्शन, किसी प्रकार का फॉलो नहीं हो रहा है। पहला बात, यहाँ डंपिंग गार्ड जो है, डंपिंग गार्ड का जो नियम सेफ्टी का होता है, वो किसान के खेत में पत्थर गिर रहा है, ना वो नाली ट्रेंच काट रहा है, ना ही वो ये जो पत्थर गिर रहा है उसका फेंसिंग कर रहा है। सबसे बड़ा समस्या हमारी ये है। दूसरी बात, उसमें पानी रोड में डालना चाहिए, जो धूल उड़ रहा है वो पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं डाल रहा है, और मजदूर लोग यहाँ भी जितने भी हैं काम करते हैं उनको शुद्ध मतलब पेयजल और भंडारण क्षमता वो भी नहीं बनाया गया। यहाँ हमारे यहाँ जैसे खदान में जो काम करते हैं उनके लिए छाया व्यवस्था होता है, रेस्ट सेंटर, वो भी व्यवस्था नहीं गया। मतलब कि जितना भी काम हो रहा है यहाँ सब फर्जी तरीके से हो रहा है, और जो भी खदान का नियम कानून है, रूल रेगुलेशन एक्ट, जो वो एक भी लागू नहीं हो रहा है। तो इसी विषय में आज हम सीएमडीसी एवं ठेकेदार के समक्ष बात कर रहे थे, तो हमारा कोई ही बात सुनने को राजी ही नहीं है। क्या आश्वासन देके गए आप लोग को अभी? आश्वासन कुछ नहीं दिए, अब उन लोग हमारी समस्या सुने और सब लास्ट में ये स्थिति आया कि सब अपना छोड़ छोड़ के भागने लगे। ठीक, अपना परिचय बता दे। मेरा नाम उपनेजर खलखो है, मैं पथरही का निवासी हूँ। हड़ताल का में है तो निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? आज बैठक रखी गई थी, क्या कुछ आश्वासन दिया? हम बैठक में आए थे, ठीक है, जितना जो गवर्नमेंट के नियम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रयास किए जाएंगे। तो मजदूर लगातार हड़ताल में क्यों है सर? इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही? कई सारी समस्याएं हैं, उसे इन्होंने अवगत कराया है। ज्यादातर समस्याएं इनकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ है ना, सीएमडीसी से संबंधित सीधे नहीं है सीधे तौर पे, लेकिन जो इनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ। सर इनका मांगे क्या क्या है? इनकी मांगों की लंबी लिस्ट है, ठीक है, वो आप लिस्ट ले सकते हैं इनसे, इनके पास कॉपी भी होगा, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। सर परिचय बता दीजिए, परिचय बता दीजिए आप। मैं अभिषेक दीवान, रीजनल ऑफिस। ठीक सर। सीतापुर से तौफिक अहमद खान की रिपोर्ट।